खबर रायबरेली जनपद से, जहां थाना गदागंज से एक दिल दहला देने वाला मामला निकल कर सामने आया है। आर्मी में तैनात आशीष के ऊपर एक 17 वर्षीय लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने का परिजनों ने आरोप लगाया है। लड़की के घरवालों का कहना है कि हमारी लड़की 17 साल की थी और हमने आर्मी में तैनात आशीष के साथ अपनी लड़की की शादी तय की थी, लेकिन हमारी लड़की की आयु कम होने के कारण हम लोग शादी की केवल बात ही चला रहे थे कि जब हमारी लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो हम आपके लड़के से शादी कर देंगे। वहीं आशीष लगातार 6 महीनों से लड़की के यहाँ आने जाने लगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। एक दिन आशीष ने लड़की के साथ जबरदस्ती किया और धमकी दिया कि अपने घर वालों को बताओगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, जिसे लड़की भयभीत हो गई, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी और किसी तरह अपने घर वालों से अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद घर वाले थाना गदागंज शिकायत करने पहुंचे और किसी तरह अपने घर वालों से अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद घर वाले थाना गदागंज शिकायत करने पहुंचे, लेकिन थाना गदागंज में नाबालिग मासूम लड़की की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज लड़की के साथ उसका पूरा परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने आश्वासन दिया कि आप जाइए और कल आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। अब देखना है कि लड़की को न्याय मिलता है या फिर नहीं। कहां से आई हैं आप? थाना गदागंज। क्या समस्या है आपको? हमारी शादी होने वाली थी, हमारी एज कम थी, तो हमारे पापा ने उन आशीष के घर वालों से बात की थी कि हमारी लड़की की अभी एज कम है तो साल भर रुक जाइए, उसके बाद शादी कर देंगे। और क्या करता है लड़का? आर्मी में नौकरी। तो फिर क्या हुआ? तो वो माना नहीं था, हमारे घर आता था, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया था, और जब हमने मना कि गलत है तो उसने हमारी वीडियो बनाई थी, बोला कि अगर किसी पापा से बताओगी तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, कोई तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, शादी से मना कर दिया कि शादी करेगा? शादी से मना कर दिया। तो उसके बाद आप कहाँ गई थी? कप्ताना नहीं, थाना गदागंज गई थी ना? क्या वहाँ पे क्या आश्वासन मिला था? वहाँ कोई कार्यवाही ही नहीं हुई। तो आज आप कहाँ पे आई हैं? कप्तान साहब। क्या आश्वासन मिला आपको? कल जाइए, कल आपका मुकदमा दायर होगा।